हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द पार्ट फिफ्थ ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर ट्वेल्व अंडरस्टैंडिंग द मैप ओके इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्क अबाउट डायरेक्शन राइट थ्री मेन कंपोनेंट्स थे मैप के और वो मेन कंपोनेंट्स कौन से थे डायरेक्शन स्केल कॉन्वेंशनल साइन हमने डायरेक्शन के बारे में डिस्कस किया अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे स्केल के बारे में तो स्केल बेसिकली क्या होता है वो रेशियो होता है किसके बीच का रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो अर्थ में है अर्थ के ऊपर है अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसका और जो मैप में जो डिस्टेंस बताया गया है वो डिस्टेंस के बीच का और अर्थ के डिस्टेंस के बीच का रेशियो को हम क्या कहते हैं स्केल कहते हैं ठीक है स्केल इज़ वन सेंटीमीटर इज टू हंड्रेड किलोमीटर्स स्केल का जो वन सेंटीमीटर होता है वो कितने किलोमीटर्स होता है एक्चुअल वर्ल्ड में वो एक्चुअल वर्ल्ड यानी एक्चुअल अर्थ के सरफेस में वो हंड्रेड किलोमीटर्स होता है बट स्केल में वो कितना सेंटीमीटर होता है वन सेंटीमीटर हंड्रेड किलोमीटर मीन्स वन सेंटीमीटर शोन इन द मैप इज एक्चुअल हंड्रेड किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द अर्थ मैप में जो वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताया जाता है बेटा वो एक्चुअल कितना डिस्टेंस का होता है अर्थ में बेटा वो हंड्रेड किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है डिस्टेंस कैन बी फाउंड यूजिंग द थ्रेड एंड स्केल डिस्टेंस हम कैसे ही फाउंड कर सकते हैं कैसे ढूंढ सकते हैं बेटा तो थ्रेड को यूज करके या तो स्केल को यूज करके हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ओके दिस वॉज अबाउट योर scale now we will see conventional signs what is conventional signs students friends you might have observed many signs or symbols when you come to school from home हम लोग जब भी स्कूल से घर आते हैं या घर से स्कूल जाते हैं तो आते जाते रास्ते पे हम बहुत सारे साइंस देख सकते हैं लाइक like, अलग अलग टाइप के हमको साइन दिखते ठीक है ड्रॉ द सीन साइंस ओके लेट इट बी वेरियस फिज़िकल एंड कल्चरल डिटेल्स आर शोन इन द मैप विद द हेल्प ऑफ सम साइंस बहुत सारे फिजिकल या तो कल्चरल डिटेल्स जो होते हैं मैप में वो साइन यानी सिंबल के थ्रू क्या करते हैं बेटा दिखाया जाता है विच आर कॉल्ड एज कन्वेंशनल साइंस जो वो साइन होता है जो फिजिकल और कल्चरल डिटेल को दिखाते हैं मैप में उसे हम क्या कहते हैं बेटा कॉन्वेंशनल साइन कहते हैं डेफिनाइट आल्फाबेट शेडो लाइट कलर पिक्चर लाइन्स आर यूज़ टू शो कन्वेंशनल साइंस इन द मैप अलग अलग लाइक स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है कोई शेडो लाइट यूज़ किया जाता है कलर को यूज़ किया जाता है किसी पिक्चर को किसी लाइन को यूज़ किया जाता है मैप के ऊपर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने के लिए तो वैसे साइन को या वैसे सिंबल्स को हम क्या कहते हैं बेटा कॉन्वेंशनल साइन कहते हैं ओके physical and cultural details can be easily shown can be can easily be shown in the map with the help of conventional sign physical या तो cultural details हम आराम से map में दिखा सकते हैं conventional signs की मदद से okay conventional signs of a map are in simple are simple and universally accepted language ये जो conventional sign होते हैं map के वो एकदम आसान होते हैं simple होना या आसान होते हैं और यूनिवर्सली उनको एक्सेप्ट भी किया जाता है एज अ मैप लैंग्वेज की जगह मैप की लैंग्वेज की तरह उन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता है सिंस देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दिस सिंबल्स और साइन सो कॉन्वेंशनल साइंस आर यूज इन द मैप एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एक एग्रीमेंट है इंटरनेशनल एग्रीमेंट ये साइंस और सिम्बॉल के हिसाब से इसके लिए कॉन्वेंशनल साइन को यूज़ किया जाता है बेटा मैप में ओके ऑब्जर्व द कॉन्वेंशनल साइन इन द टेबल बिलो एंड देन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर अगर आप कभी भी ऐसा साइन दिखोगे मैप में तो वो क्या दिखा रहा है बेटा माउंटेन्स दिखा रहा है ओके okay? और यहाँ पर नॉर्थ डरेक्शन ऑफ मैप का भी आप देख रहे हो राइट right? हिल का आप देख सकते हो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री का देख सकते हो पीक का देख सकते हो स्टेट बाउंड्रीज का कॉन्वेंशनल साइन देख सकते हो पास का कॉन्वेंशनल साइन देख सकते हो इंटरनेशनल बाउंड्री का भी देख सकते हो फिर रिवर का देख सकते हो स्केल का देख सकते हो बेटा कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर देख सकते हो कैपिटल ऑफ अ कंट्री का साइन देख सकते हो डैम कोई रिवर पे डैम हो तो उसका कॉन्वेंशनल साइन कैपिटल ऑफ द स्टेट का कॉन्वेंशनल साइन पक्का रोड का कॉन्वेंशनल साइन है यहाँ पे क्वार्टर का है अगर रेल रूट बीच में कहीं आ रहा है तो उसका कॉन्वेंशनल साइन किसी सिटी का कॉन्वेंशनल साइन यहाँ दे रखा है लाइट हाउस का भी है देखो बेटा और फॉरेस्ट है पोस्ट ऑफिस का पुलिस स्टेशन का सर्किट हाउस का एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस का ये कुछ कॉन्वेंशनल साइन थे जो हमारे बुक में हम देख सकते हैं ओके अपार्ट फ्रॉम साइंस डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड क्लोरोप्ला क्लोरोप्लेट्स साइन के अलावा जो फिज़िकल और कल्चरल डिटेल्स हैं उनको हम कलर्स यूज करके भी बता सकते हैं फिजिकल एंड कल्चरल डिटेल्स गिवन इन द टेबल आर शोन इन द मैप विद द हेल्प ऑफ कलर्स यहाँ पे कुछ फिजिकल और कल्चरल डिटेल्स हैं जो कलर के हेल्प से हमको दिखाए गए चलो हम देख लेते हैं अगर किसी मैप में लैंड फॉर्म को अगर हमको बताना है कि यहाँ पर लैंड फॉर्म्स हैं तो हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं बेटा ब्राउन कलर यूज़ करते हैं वाटर बॉडीज़ दिखाना है तो ब्लू कलर यूज़ करते वेजिटेशन दिखा वेजिटेशन और रीजन दिखाना है तो हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं रेल रूट दिखाना है तो हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं रोडवेज़ दिखाना है तो हम रेड कलर यूज़ करते हैं और एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर दि, दिखाना है तो हम येलो कलर यूज़ करते हैं सो दिस वॉज़ योर कॉन्वेंशनल साइन